हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पालक पत्ता चाट कैसे बनाते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए पहले हम लेते हैं दही, उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। चीनी को पूरा घोल लेंगे इसके अंदर। जब ये हो जाए, एक बाउल में लेते हैं 4 चम्मच बेसन, फिर जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी थोड़ी सी, फिर जाएगी थोड़ी सी हल्दी और इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। उसके बाद जाएगा स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर हम, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। थोड़ा सा बाइंड हो जाए बस ये, फिर इसके अंदर और पानी डालते हैं और अच्छी तरह से घुमा के इसका बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसे रखनी है, इतना गाढ़ा होना चाहिए ये। फिर लेते हैं हम पालक पत्ता, छोटे लिए तो अच्छा रहेगा। फिर पालक पत्ता लेके बैटर में अच्छे से डिप कर लेते हैं हम, अच्छी तरह फैला लें इसको। और पूरी तरह गरम करे हुए तेल के अंदर तेज आंच पर सेक लेते हैं इसको। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और करारे ना हो जाए। जब ये हो जाए, इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमें सारे पत्तों के साथ भी ऐसे ही करना है। तब ये हो जाए, उसके बाद डालेंगे इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला, स्प्रिंकल कर लेते हैं। हम बारी इन्हें प्लेट करने की, सारे के सारे को हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको प्लेट कर सकते हैं। मैं इसको इस शेप में कर रहा हूँ। अब बारी है इसके ऊपर दही डालने की। अच्छी तरह से फैला लें दही को डालते डालते। जब ये हो जाए, इसके अंदर डालेंगे हम हरी चटनी, उसको भी ऐसे फैला लेंगे। फिर बारी डालने की लाल चटनी। फैलाते जाएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब हम डालेंगे थोड़ी सी भुजिया गार्निश के लिए, उससे थोड़ा टेस्ट भी आएगा। अच्छे से फिर डालेंगे इसको थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, फिर थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं कटा हुआ। और देखिए, आपकी पालक पत्ता चाट तैयार हो चुकी है।